हेलो हाय एवरीवन, दिस इज इंजीनियर निखिल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर इंजीनियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द आयुष काउंसलिंग। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाउट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सो लेट्स डाइव इन। तो बेसिकली बच्चों, ये जो वीडियो है आपके लिए बेस्ड है Q&A बेस पे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो आयुष की काउंसलिंग है के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसकी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग थी, ऑल इंडिया कोटा जो 15% के लिए जो होती है, उसका राउंड वन राउंड टू का ऑलरेडी काउंसलिंग हेल्ड हो चुका है। अब जो लास्ट बचता है वो है आपका मॉपअप राउंड, जिसको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते हैं। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 23rd of August एंड इट विल कंटिन्यू टिल 26th of August। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी सीट्स आपकी जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग के होने के बाद जो सीट्स बढ़ जाएगी, दे विल गेट ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, जो भी स्टेट्स की जो सीट्स रहेंगी। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो ऑल इंडिया कोटा बेसिस में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेट का बच्चा जो है वो ऑल इंडिया कोटा, मतलब आपकी जो 15% ऑल इंडिया कोटा बेस की जो काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करके वो रिस्पेक्टिव किसी भी कॉलेजेस में जहाँ भी उसको सीट मिलती है, वो स्टेट्स की सीट्स को पिक कर सकता है। बट ये जो सिनेरियो है, जब स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है, उस समय ये चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि अगर अभी हम करंट देखें कि कहाँ कहाँ आयुष की काउंसलिंग चल रही है, तो देखिए महाराष्ट्र में चल रही है, राउंड टू का रिजल्ट आना बाकी है। बिहार का तो आपको मालूम है, MBBS के साथ ही चालू हुआ था, गुजरात है, और अभी उत्तर प्रदेश के स्टार्ट होना बाकी है, आपका हरियाणा का बाकी है, उत्तराखंड की भी जो है अभी काउंसलिंग होना स्टार्ट है। अब अगर मान लीजिए मेरे से जो डाउट है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, अगर मान लीजिए मैं किसी एक अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं किसी अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या सीट्स को पिक कर सकता हूँ, तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप सोचते हैं कि मुझे गुजरात में जाके जो है सीट मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है, वो है आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा बेसिस में। हर स्टेट, हर एक कॉलेजेस जो होते हैं, वो अपनी कुछ सीट जो 15% जो सीट रिजर्व रहती है, दे आर ऑल रिजर्व फॉर द ऑल इंडिया कोटा बेसिस, एंड दिस सीट्स आर फिल्ड बाय द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ऑनली। तो इस सीट से ही जो है आप 15% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस में जो है आप क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट उठा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी की स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो है सीट को पिक नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने दिमाग से डाउट हटाइए। फिर एक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ओपन स्टेट काउंसलिंग क्या है और क्लोज स्टेट काउंसलिंग, जैसे आपका जैसे आपका गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, ये आपके क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट कहने का मतलब क्या है, ना तो आप उनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ना ही उनके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स उठा सकते हैं। अब जो ओपन स्टेट की जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली, जैसे आपका क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की 6 अगस्त से चालू होने वाली, आपकी पंजाब की ऑलरेडी चली रही है, आपके राजस्थान की है, आपकी मध्य प्रदेश की है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो आपकी आयुष की जो कॉलेजेस हैं, या MBBS BDS की रहती, खैर अभी हम बात आयुष की कर रहे हैं, तो उनकी जो प्राइवेट की जो आयुष की जो कॉलेजेस हैं, वहाँ आप जो है उनकी काउंसलिंग के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज कॉल ओपन बेस काउंसलिंग, ठीक है, ओपन स्टेट काउंसलिंग कहते हैं। और एक डाउट जो सबसे ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपको राउंड वन राउंड टू में सीट नहीं मिली, तो आप जो है राउंड थ्री में जो कि आपका मॉपअप राउंड रहेगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, और आपकी जो सिक्योरिटी जो फीस रहेगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी। मतलब उसको क्या है, आपको अगेन आपको डिपॉजिट नहीं करना। मान लीजिए आपको राउंड टू में आपको कोई सीट मिल गई, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बट आप मॉपअप राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डेट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो सिक्योरिटी फीस होगी वो फॉरफेटेड हो जाएगी, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फीस, और जो सिक्योरिटी जो आपकी जो पुरानी आपने सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट की थी, वो एज ए पेनल्टी कट जाएगी। तो आपको अगेन जो है सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस को डिपॉजिट करके, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये दो डाउट हो गया। अब दो टाइप के डाउट है कि सर, ये जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी मॉपअप राउंड के बेसिस में, इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेगी? एक तो आपके डीम्ड प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगे, दूसरे सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होगी, जैसे आपके BHU हो गया, NIA हो गया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो भी आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिन बच्चों के पास रैंक मतलब मार्क्स जो है बहुत कम है, जैसे 250 से 300 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स हैं, दे कैन ईजिली पार्टिसिपेट एंड गेट एडमिशन इन द प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनकी फीस जो है 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो आपकी वेरी करेगी। और बात अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, अगर जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो आप मान के चलिए 530+, ठीक है। अब इसके अलावा
एक और जो आपकी स्टेट अभी मैं आपको सबसे जो अच्छा ऑप्शन है जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि दे कैन गो टू द ओपन स्टेट काउंसिल। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gac.bilaspur.gov.in इनकी अभी स्टार्ट होने वाली है छत्तीसगढ़ की। फिर उसके बाद है आपके पास पंजाब की www.gru.pnjab.org। उसके बाद फिर आपकी स्टार्ट हो जाएगी राजस्थान की। राजस्थान के लिए आप जा सकते हैं www.ragugpgayush.counseling.in। उसके बाद आपकी जो मध्य प्रदेश की है उसकी सिंपल है ayush.mponline.gov.in। तो ये इनकी जो अभी जैसे मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इनकी जो है आप स्टेट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शंस रहेंगे। तो इसी तरीके से जो है आपको पार्टिसिपेट करना है इस तरीके के। और अगर आपको मान लीजिए कोई भी तरीके का आयुष के काउंसलिंग किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट को नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। तो बहुत कॉमन सा है पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही एक तरीका है। गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया, मैंने आपको आज मोपअप राउंड के बारे में बता दिया, मैंने आपको जो है कट ऑफ के बारे में बता दिया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन बाय बाय।